छोटल इन एक्सप्लोर प्रस्तुत करता राइड अलोंग अध्ययन एक कुछ भी हो सकता है एपिसोड 19 में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा, हमारे राइडर्स पर्यटक स्थान घूमकर अब वे ठीक से मत पहुंचे। तिब्बत में पुटाला पैलेस के समान दिखने के लिए प्रसिद्ध थिक्सेमथ मध्य लद्दाख में सबसे बड़ा गोम्पा और लेह के पास एक अवश्य देखने योग्य स्थान है। थिक्सेमथ के मुख्य आकर्षणों में से एक मैत्रेय मंदिर है, जिसे 1970 में इस मठ में 14वें दलाई लामा की यात्रा की स्मृति में स्थापित किया गया था। मंदिर में मैत्रेय बुद्ध की 15 मीटर ऊंची मूर्ति है, जो लद्दाख में दो को कवर करने वाली सबसे बड़ी मूर्ति है। इमारत की मंजिलें थिक्सेमथ तिब्बती बौद्ध के गेलुग या येलो हार्ट संप्रदाय से संबंधित है। यह अक्टूबर नवंबर के महीने में आयोजित होने वाले अपने वार्षिक कस्तोर फेस्टिवल के लिए भी जाना जाता है, जिसमें मत के आधार पर एक व्यापार मेला आयोजित किया जाता है, जहां पूरे लद्दाख से ग्रामीण वस्तुओं का आदान प्रदान और व्यापार करने और मेलजोल के लिए आते हैं। थिक्सेमथ का इतिहास बताता है कि गोम्पा 15वीं शताब्दी की संरचना है। 1433 में त्सोंगखापा तिब्बती बौद्ध धर्म के गेलुग संप्रदाय के संस्थापक के शिष्य जांगसेम शेरब जांगपो ने सिंधु के उत्तर में स्टैगमो में लखांग सरपो पिला वंडिर लैमप एक छोटे से गाँव मठ की स्थापना की। बाद में 15वीं सदी के मध्य में सेंचुरी पाल्डेन जंगपो ने स्टैगमो से कुछ किलोमीटर दूर इसी नाम के एक गांव के ऊपर एक पवित्र पहाड़ी पर एक बड़ा मठ बनाया। इस मठ को अब हम थिक्सेमथ के नाम से जानते हैं। थिक्सेमथ की यात्रा का सबसे अच्छा समय अक्टूबर नवंबर के महीने में गुस्टर महोत्सव के दौरान होता है। त्योहार के दौरान कोई पारंपरिक चाम नृत्य देख सकता है। आइए आपको मंदिर के अंदर की यात्रा करवाई है। अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना न भूले। जल्द ही मिलते हैं एक रोमांचक भरे एपिसोड के साथ।